हेलो गाइस, यू आर वाचिंग फाइनेंशियल गोल्स द रिटेलर्स पॉइंट। टाइम हो रहा है 9:15। मार्केट जस्ट अभी ओपन हुआ है। हम लाइव ट्रेड की वीडियो शूट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और आपको बताएंगे क्या क्या पॉइंट्स हमने कवर किए। और ऑप्शन सेलिंग में जब भी हम इंट्राडे कर रहे हैं, पोजिशनल कर रहे हैं, तो हमारा जो मेन मोड रहता है वो रहता है दोस्तों परफेक्ट रिस्क रिवार्ड। जितना परफेक्ट रिस्क रिवार्ड होगा उतना आपको बेनिफिट होने के चांस ज़्यादा। तो अभी मार्केट हुआ ओपन 11,856, ठीक है। तो अभी हम ऑप्शन सेल करेंगे, प्लेटफॉर्म होगा हमारा आस्था एरो, ठीक है। तो 11,858 यहाँ पर चल रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी ऑप्शन चेन में और एक बार देख लेते हैं कि भाई जो हमारे ग्रीक्स हैं, जो हम स्ट्राइक प्राइस के ग्रीक्स हैं, वो कौन सा हमको स्ट्राइक प्राइस लेना है अकॉर्डिंग टू ग्रीक्स, तो ताकि हमको पता लग जाए कि निफ्टी के मूवमेंट पे हम हमारा जो स्ट्राइक प्राइस है वो कितना मूव कर सकता है, ठीक है। तो मार्केट अभी ओपन हुआ, जैसे थोड़ा सा सेटल होने देंगे इसको कि कहाँ पे ये जाना चाहता है, ठीक है। तो अभी हम जरा अगर हम स्ट्राइक प्राइस को देखें तो हम मोस्ट प्रोबेबली देखते हैं, पहले पुट को देख लेते हैं एक बार कि भाई क्या सिनारी यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो हम जो यहाँ पर जो स्ट्राइक जो डेल्टा लेंगे वो लेंगे दोस्तों 30 से लेकर 40 के बीच में, ठीक है। तो 30 से लेकर 40 के बीच में डेल्टा वाली की दो ही स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर मिल रही हैं, एक 11,700, 750 और 800, ठीक है। तो ये यहाँ पर तीन यहाँ पर क्या है, तीन स्ट्राइक प्राइस हैं 11,700, 11,750, ठीक है। तो 11,750 को हम प्रेफर करते हैं, इसका डेल्टा है 35, मतलब निफ्टी के एक पॉइंट पे, निफ्टी के तीन पॉइंट में यहाँ पर हमारा स्ट्राइक प्राइस एक बार मूव होने वाला है। तो ठीक है, तो हम 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे तो हमारा 10 पॉइंट का यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस बनेगा स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से। तो अगर हम इसका देखें कि अगर 11,750 का जो प्राइस है वो कितना चल रहा है, वो चल रहा है 78 रुपीज़, ठीक है। तो चलते हैं अभी हम अपना, एक मिनट हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं अपने ज़रोदा में निफ्टी 11,750 की पुट। तो इसका हम एक बार देख लेते हैं, इसका हम चार्ट देख लेते हैं भाई, ये चार्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है एक्चुअली, ठीक है। 11,869, ओके। तो यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो 11,750 की पुट को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। आई थिंक माई नेटवर्क इज़ टू स्लो, लेट्स वेट एक मिनट दोस्तों, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। सॉरी गाइस, थोड़ा नेटवर्क का इशू था तो वो रिजॉल्व हो चुका है। तो 11,750 की पुट को यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं, ओके। और इसका हम चार्ट देख लेते हैं ज़रा क्या सिनारियो बन रहा है, ठीक है, कि हमको कहाँ पे शॉर्ट करना है, क्या करना है, वो हम देख लेते हैं कितना हमको रिस्क रिवार्ड पर मिल रहा है इसका। एक बार हम देख लेते हैं ऑप्शन चेन भी, 11,750 का पुट डेल्टा भी कितना, 35 भी चल रहा है, ठीक है। तो ये इसका चार्ट है, चार्ट में तो अभी पहला ही, अब तो 5 मिनट हुआ तो सेटल भी नहीं हुआ है, तो परफेक्ट हमको लेवल मिलना अभी मुश्किल है। बट फिर भी हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा इसको निकाल लेंगे यहाँ पर इसके कुछ लेवल। तो एक मिनट, यहाँ पर 70, ओके। तो अभी हमारा जो प्राइस है वो चल रहा है कुछ 78 रुपीज़, ठीक है। तो पहली ही कैंडल यहाँ पर बन रही है दोस्तों, 860 मार्केट अभी चल रहा है। तो दूसरी कैंडल को हम प्रेफर करेंगे ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो अभी ऑप्शन चेन अगर हम इसको भी 5 मिनट पे देखते हैं तो आपको ये कुछ निकल के आएगा, वी वेब हमारा कितना 89 के हिसाब से चल रहा है। तो अगर हम अभी यहाँ से भी शॉर्ट करेंगे तो हमको 10 पॉइंट्स 8 पॉइंट कुछ का यहाँ पर रिवार्ड मिल जाएगा। तो दूसरी कैंडल यहाँ पर बन चुकी है 5 मिनट के अंदर और वो एक ब्लूइस नोट दिखा रही है। तो ठीक है, अभी यहाँ पर हम ट्रेड डालेंगे, थोड़ा सा वेट हम करेंगे क्योंकि 77 से हमारा जो टारगेट है 7 पॉइंट का यहाँ पर बैठ रहा है और जो रिस्क बैठ रहा है वो भी अगर हम वी वेब को भी लेते हैं तो कितना 9 पॉइंट्स का बैठ रहा है, तो थोड़ा गड़बड़ा रहा है मामला। तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे,
देखते हैं कि हमारी 5 मिनट की कैंडल इसके लो को तोड़ती है, नहीं तोड़ती है, क्या है। अगर तोड़ेगी भी तो मैक्सिमम यहाँ तक, उसके बाद शायद ऊपर। ठीक है, तो देखते हैं क्या करना है हमको। तो अभी मैं वीडियो को पॉज करता हूँ यहाँ पे और देखता हूँ क्या सिनारियो बन रहा है। बिल्कुल अपडेट मैं करता रहूँगा, वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखते रहना ना, क्योंकि मैं चाहे प्रॉफिट होगा चाहे लॉस होगा, मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा कि ये पॉइंट्स यहाँ पर हमने कवर किए, ये अगर हमसे गलती हुई तो ये गलती हुई, आप अवॉइड करना, और क्या क्या हमने देखा वो आपको यहाँ पर सब कुछ मैं बताऊंगा वीडियो के अंत में, ट्रेडिंग के अंत में मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो 11,869 मार्केट ओपन हुआ था हमारा 11,856 पे, तो अभी दूसरी कैंडल बनी है तो इसका मतलब ऊपर ही है, तो एक बुलिश नोट ही मैं मानूंगा जब तक यहाँ पर इसका लो नहीं तोड़ेगा। और बिल्कुल फ्लैट ओपन हुआ है, कुछ ऐसा बड़ा गैप अप ओपन भी नहीं हुआ है, तो ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है 11,870 और या 11,850 एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे जाएगा तो मैक्सिमम कितना 830, और ऊपर जाने का तो यार इसको 900 के आसपास टारगेट बहुत बड़ा मिल जाएगा हमको पुट में भी। तो वही मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो पहला कैंडल बना था वो गैप अप का था, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आया, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा नीचे आया, 114 था सीधे 75। ठीक है, तो 87 यहाँ पर चल रहा है, तो दूसरी कैंडल हमारी बन रही है, लेट मार्केट सेटल फिर हम देखते हैं। तो 76 यहाँ पर चल रहा है, 867। तो जो अभी अगर हम लेवल देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लेवल है 870, उसको ब्रीच करने में मार्केट हमारा यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, 76। और तो दोस्तों यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, कुछ मिलेगा तो पॉज मैं मारता हूँ वीडियो को, अभी फटाक से पॉज मारता हूँ और जैसे ही कुछ ट्रेड होगा तो मैं फटाक से आपको यहाँ पर अपडेट करूँगा। ऑप्शन चेन को आज हमने इसलिए सिनारियो में लिया, पिक्चर में लिया है कि हमको यहाँ पर पता लग जाए कि भाई कि हम अगर आप डेल्टा वगैरह देख लेंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया रहेगा कि निफ्टी के इतने मूवमेंट पे, अगर जैसे मैंने अभी 35 है तो निफ्टी के अगर मेरे को 30 पॉइंट मेरे को सेफ लग रहे हैं, तो 30 पॉइंट का मतलब ये कि 11,830 या 65 68 चल रहा 35 तक यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस मेरा सेफ रहेगा। ठीक है, तो उसका मूवमेंट थोड़ा अंदाजा आपको लग जाएगा, तो आप उसको देखने की कोशिश कर सकते हैं। और सिंपल बात, आज फ्राइडे है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, तो यहाँ पर आपको प्रीमियम डिके भी नहीं मिलने वाला, तो एक बड़ा मूवमेंट आता है तो दोस्तों अगर मार्केट में ऊपर की तरफ मार्केट जाता है तो 70 के बाद यहाँ पर एक अच्छी यहाँ पर आपको इसमें गिरावट दिख सकती है पुट की स्ट्राइक प्राइस में, और ऊपर की जो तरफ है जो हमारा 97 है, तो अगर गिरावट होगी तो 97 पर आकर मार्केट यहाँ पर रुक जाएगा। बट वीवैप को देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि चल रहा है 83 पर, तो 6.68 यहाँ पर चल रहा है, तो अभी हम एक रिस्क यहाँ पर ले सकते हैं। आस्था एरो में भी हम यहाँ पर ऐड मार देते हैं, 11,750 को भी हमने ऐड नहीं किया है। ठीक है, निफ्टी 11,750 की पुट को यहाँ पर हम क्या कर देते हैं दोस्तों, ऐड कर देते हैं। ये जो चल रहा है 76 यहाँ पर चल रहा है, तो मैंने बोला था कि 850 और 870 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, रेंज है, उसी के बीच में मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो मैं वीडियो को भी पॉज करता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है दोस्तों। ठीक है, तो गाइज हमने अभी प्रॉपर 15 मिनट वेट किया मार्केट को सेटल होने देना है, तो 11,867 यहाँ पर कंक्लूजन निकला है 15 मिनट के बाद। पहली जो 15 मिनट के चार्ट पे जो उसने कैंडल बनाई है वो एक बुलिश नोट पर इंडिसीजन कैंडल बनाई है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 5 मिनट देखें दोस्तों, तो 5 मिनट का जो कंक्लूजन आपको यही निकलेगा, ओपन हुआ और क्लोजिंग थोड़ी ऊपर है। ठीक है, तो अभी हमारी 15 मिनट हो चुकी है, तो अब हमको क्या ट्रेड यहाँ पर लेना चाहिए। ठीक है, ये अभी सबसे बड़ा सवाल है। तो दूसरी जो कैंडल है वो खुलते ही थोड़ा नेगेटिव साइन यहाँ पर दिखा रही है दोस्तों, और शायद ये 850 का जो इसका ओपन है उसके नीचे भी आ जाए। अगर हम इसके चार्ट को देखें, अपने चार्ट को, तो 77 यहाँ पर आ चुका और बिल्कुल नियर बाई आ चुका है कि इसके अरे जो ये हमारा क्या था, ये हमारा जो वी वैप है उसके बिल्कुल पास आ चुका है 77। ठीक है, तो मार्केट 11,56 चल रहा है, तो 11,856 चल रहा है, तो अगर देखो बहुत ही ज़्यादा रिस्क ट्रेड यहाँ पर लेनी है कि बिल्कुल भाई मन ही नहीं कर रहा भाई ट्रेड हमको लेनी लेनी है, तो एक ट्रेड बन सकती है, बट इसका जो स्टॉप लॉस होगा 11,844 यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर ट्रेड लेनी लेनी है, बिल्कुल बिल्कुल मन ही नहीं मन ही मान
तो क्योंकि आप देख सकते हैं दो कैंडल के बाद एक जो बियरिशनेस हल्की सी यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो शायद मार्केट यहाँ तक आके एक बार ऊपर की तरफ जाए तो अभी मैं ट्रेड नहीं ले रहा, ठीक है। सिंपल मैं अभी वेट करूँगा, और ज़्यादा वेट करूँगा और देखूँगा कि भाई ये वाली कैंडल कैसा परफॉर्म कर रही है। ये उसी हिसाब से नीचे आ रही है। तो वीडियो के 10 मिनट हमारे ऐसे ही निकल चुके हैं, अब तक हमने कोई ट्रेड नहीं लिया दोस्तों। आप देख सकते हैं 11,853.51 यहाँ पर मार्केट आ चुका है, ठीक है। तो कहाँ तक रिट्रेस होगा वो हमको देखना यहाँ पर बाकी है। तो और 79 हमारा यहाँ पर आ चुका है विद गुड वॉल्यूम। यहाँ पर एक इसने यहाँ पर एक ऊपर की तरफ देखो 851 यहाँ पर आ चुका है। तो मैं अगेन यहाँ पर वीडियो को पॉज करूँगा, सही लेवल पर हम ट्रेड यहाँ पर डालेंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर मैं एक बार फिर वीडियो को पॉज करता हूँ। तो गाइज हमने मार्केट का बहुत ज़्यादा वेट किया और हमने बताया था कि मार्केट में फॉल आएगा, और देखिए यहाँ पर फॉल आ गया। मैंने बताया था 11,850 से 11,870 एक रेंज थी, वो टूटते ही मार्केट ने अपना 11,806 का लो बनाया। तो मैंने अपनी ट्रेड डाल दी है। मैं आपको पहले अपना यहाँ पर दिखा देता हूँ निफ्टी का चार्ट, यहाँ पर कितने पर मैंने यहाँ पर ट्रेड डाली, शायद 88 या 89 के आसपास मेरी ट्रेड है। और आप देख सकते हैं जो मेरा स्टॉप लॉस मैंने रखा है वो 99 का यहाँ पर रखा है। तो अब मुद्दा ये कि भाई टारगेट हमारा क्या होना चाहिए। तो दोस्तों टारगेट पहले हमारा था 69 का, तो मैं उसको हल्का सा मॉडिफाइड कर देता हूँ और दिन का 74 यहाँ पर मैं यहाँ पर अपना टारगेट रखूँगा। तो 89 से अगर 74 होगा तो हमारा कितना 16 पॉइंट कुछ का हमारा टारगेट हो गया, और जो हमारा जो रिस्क का दोस्तों वो केवल हमारा 10 पॉइंट्स का, ठीक है। तो 1.6 का यहाँ पर हमारा रिस्क रिवार्ड बैठ रहा है। तो अभी हम चलते हैं अपने आस्था एरो में और देखते हैं हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना यहाँ पर लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अपनी नेट पोजीशन की तरफ। वीडियो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, 87 पर चल रहा है और जो हमारा बाइंग प्राइस है वो है 89 रुपीज़, ठीक है। 89 रुपीज़ हमारा वा। तो हमने जो क्वांटिटी लिया है वो दोस्तों वो लिए 450 क्वांटिटी यहाँ पर लिए, मतलब 6 लोट यहाँ पर हमने लिए, हाँ ओके 6 या 5 होंगी, ठीक है। तो इतनी हमारी लो 450 हमारी क्वांटिटी है, टोटल 89 के भाव पर हमने यहाँ पर लिया है। मार्केट अभी चल रहा है 11,828। तो हमने 200 बिल्कुल एक परफेक्ट लेवल पर लिया है यहाँ पर। अगर हमको यहाँ से लॉस भी हो जाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको गिल्ट नहीं रहेगा क्योंकि हमने एक परफेक्ट लेवल पर सपोर्ट लेवल पर यहाँ पर एंट्री ली है। अगर यहाँ से हमको लॉस हो गया तो कोई गलती नहीं है, मार्केट हमको लॉस दे देगा। बट मुद्दा ये है कि हमने क्या एक परफेक्ट लेवल पर एंट्री दोस्तों ली है। तो यहाँ पर दोस्तों कहानी ये है कि जो हमने आस्था का जो प्लेटफॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं उसमें केवल 4,000 में एक लॉट हमको मिला है, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा हमारा मार्जिन इसमें नहीं लगा है, 4,000 में एक लॉट यहाँ पर हमको मिला है। तो आज का जो सिनारियो ये आज जो है दोस्तों यहाँ पर क्या है, आज यहाँ पर फ्राइडे और इतना प्रीमियम डिगे हमको नहीं मिलेगा। तो हम अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो फ्राइडे और मंडे को आप एज ऑप्शन सेलिंग को ट्रीट कीजिए एज ए ऑप्शन बाइंग। कहने का मतलब मेरा यह है कि आप अगर ऑप्शन सेलिंग में अगर ट्रेड डालिए तो आप उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए एज ए बाइंग की तरह, उसको बाइंग की तरह दोस्तों ट्रीट कीजिए। तो मार्केट अभी 11,820 यहाँ पर चल जाएगा, लॉस हम आ चुके होंगे 1100 रुपये के, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पर अभी हम वेट करेंगे क्या सिनारियो बन रहे हैं। 4,500 का लॉस हम लेंगे फिक्स, जो हमारा 10 पॉइंट का टारगेट है, और प्रॉफिट हमारा कुछ बैठ रहा था कितना वो बैठेगा कम लगभग लगभग 6,000 या 7,000 रुपये का, ठीक है। तो अभी हम मार्केट को देंगे टाइम, भाई हम या तो हमारा टारगेट हिट करो या हमारा क्या दोस्तों स्टॉप लॉस हिट करो, बिना स्टॉप लॉस के तो काम करना ही नहीं है। तो जब भी आप ट्रेड व्रेड डालें तो आप ये एक बार ज़रूर चेक कर लेंगे भाई आपका स्टॉप लॉस लगा भी है या नहीं, ठीक है ना। तो हमारा आप देख सकते हैं हमारा जो स्टॉप लॉस है वो पेंडिंग है कितने पर, 100 का प्राइस है, मतलब 99 पे हमने यहाँ पे इसको डाला हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो अभी हम वीडियो को पॉज करते हैं और बताएंगे कॉन्क्लूजन क्या, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। वीडियो जब खत्म हो जाएगी, चाहे प्रॉफिट होगा चाहे टारगेट होगा, मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि क्या सिनारियो रहे, क्यों मुझको प्रॉफिट हुआ, क्यों लॉस हुआ, क्या क्या पॉइंट मैं आपको कवर करके करने की कोशिश करूँगा। तो मैं अभी वीडियो को पॉज करता हूँ दोस्तों। हेलो गाइस, मार्केट 11,867 पर आ चुका है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था हमने कुछ इस पॉइंट पर यहाँ पर एंट्री ली थी और परफेक्ट आपको सब कुछ क्लियरली बताया था कैसे कैसे हम ट्रेड कर रहे हैं। तो
तो अभी एक बार देख लेते हैं, निफ्टी ने हमारा जो 74 का टारगेट था वो हिट कर दिया है। तो मैंने बोला था कि आप मार्केट पर छोड़ दीजिए, आप ट्रेड लेकर छोड़ दीजिए, परफेक्ट लेवल पर छोड़ दीजिए, मार्केट को अपना काम करने दीजिए। तो निफ्टी ने जस्ट अभी अभी हमारा 74 का टारगेट यहाँ पर हिट कर दिया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, एक मिनट हम नेट पोजिशन में चलते हैं और आप देख सकते हैं 6750 को हमको प्रॉफिट हो चुका है, ये हमारा 74 का टारगेट था। तो अभी चलते हैं हम अपने स्टॉप लॉस, जो हमने स्टॉप लॉस लगाया था उसको हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर बुक में जाके यहाँ पे हम इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे कैंसिल ऑर्डर, यस, ठीक है। तो अभी एक बार इसको चेक भी कर लेना एक बार कि भाई हुआ भी है, यानी कभी कभी ऐसा होता है आप सोचो आपने कर दिया बट नहीं होता, तो लुक्स लाइक यू हैव नो ऑर्डर एट दिस मोमेंट, ठीक है। तो अभी हमने प्रॉफिट कमा लिया है 15 पॉइंट्स का, यहाँ पर हमने प्रॉफिट कमा लिया, रिस्क लिया था हमने 10 पॉइंट का, प्रॉफिट लिया है 15 पॉइंट का, ठीक है। तो एक ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से एक अच्छा रिस्क रिवार्ड हमने यहाँ पर लिया है। तो अभी हम कोई ट्रेड यहाँ पर नहीं करेंगे। तो दोस्तों अब मैं आपको क्लियर करता हूँ चीज़ें के भाई, देखो सबसे पहले मैंने आज तक का प्लेटफॉर्म यूज़ किया था जिसमें 4K पर लॉट यहाँ पर मिलता है। तो अब मैं देखो वीडियो का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको बताता हूँ, प्रॉफिट लॉस छोड़ो जो चलता रहता है, ठीक है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि भाई अब मुझे ये बताइए, देखो सबसे पहले अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए कि भाई मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे कितना लॉस यहाँ पर लेना है, सबसे पहली बात। तो मैंने उसके लिए तरीका मेरा ये रहता है, मैं आपको बताता हूँ, कोई नहीं बताता अपनी ट्रेड्स के, भाई आप ऑप्शन चेन में जाके पहले सबसे पहले अपनी स्ट्राइक प्राइस चुनिए। जैसे कि मैं चुनता हूँ कि भाई जो मेरी जो डेल्टा वाली जो स्ट्राइक प्राइस होती है वो लेता हूँ मैं 30 से लेके 40 के बीच में, ठीक है। ये मेरा क्या होता है डेल्टा होता है कि मैं इसकी स्ट्राइक प्राइस ही चुनता हूँ ताकि मेरे को पता लगे कि भाई निफ्टी के मूवमेंट में मेरा स्ट्राइक प्राइस कितना मूव होगा। दूसरी बात, हम टेक्निकल बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था तो हम चाहते तो यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते थे क्योंकि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ था और उसके बाद मार्केट को जो दिख रहा था वो लग रहा था कि भाई मार्केट जो एक मिनट, ठीक है, तो और जो लग रहा था कि मार्केट शायद यहाँ तक जाएगा, ठीक है। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ से जाके तुरंत नीचे आ गया। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट यार जो मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट जो चीज़ क्या है, आपको वेट करके ट्रेड लेना। अगर हम यहाँ पर ट्रेड ले देते तो हमारे यहाँ स्टॉप लॉस सिंपल हिट हो जाता, उसके बाद हमने मार्केट को वेट किया और गिरने दिया, गिरने दो, मत ये मत सोचो कि मार्केट हमारे हाथ से चला जाएगा। मार्केट हमारे लेवल पे आया, यहाँ पे 11,805 के लेवल पर आया जो कि सपोर्ट है, वहाँ पर आया, हमने उसको वेट किया, तब हमने नेक्स्ट कैंडल देखी, थोड़ी ग्रीन बनी, एक बुलिश कैंडल बनी, तब हमने ट्रेड लिया। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर सपोर्ट रेसिस्टेंस को देखकर ट्रेड करेंगे और आपको पता रहेगा कि भाई कि हम क्या ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपको लगेगा कि हाँ भाई मैंने ये सही ट्रेड डाली है और उसमें आपको लॉस भी हो जाएगा तो आपको ज़्यादा दुख नहीं होगा क्योंकि आपको रहेगा कि भाई मैंने सब कुछ देखकर ट्रेड डाली थी। बट अगर आपको वहीं आप ट्रेड डाल दोगे तो आपको क्या रहेगा कि यार मैंने गलत ट्रेड लिया, आप दिन भर अपने आपको गाली यहाँ पे देते रहोगे। दोस्तों मैं आपको बता दूँ आज एक मॉनिटरी पॉलिसी भी है बट मैंने उसको बिल्कुल नेगलेक्ट करा कुछ ना, भाई हमको अपना प्राइस एक्शन देखना, हमने अपने ट्रेड लेना, मॉनिटरी पॉलिसी में क्या आ रहा है वो हमको नहीं मतलब, क्या CNBC आवाज़ पर क्या बता रहे वो हमको नहीं मतलब, हमको अपना चार्ट यहाँ पर देखना, प्राइस एक्शन यहाँ पर देखना। तो से मार्केट ऊपर गया और यहां तक। तो दोस्तों ये तो था हमारा निफ्टी का चार्ट। तो दोस्तों मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता दूं, शायद कोई नहीं बताएगा, वेबिनार में भी शायद लोग नहीं बताते होंगे इन चीजों को, मैं आपको बता देता हूं सिंपल, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो दोस्तों ये मस्ट है कि आपको ऑप्शन जो भी स्ट्राइक प्राइस आपने चूज किया उसका आपको चार्ट यहां पर लगाना ही लगाना है, ठीक है। जैसे कि मुझे यहां पर पता चल गया था मार्केट यहां से ऊपर गया था और इस पॉइंट था, इस वाली कैंडल पे मैंने बिल्कुल परफेक्ट कैंडल पे यहां पर ट्रेड लिया था, बिल्कुल अच्छी तरीके से मेरे को रिस्क रिवार्ड मिला। तो दोस्तों ये बिल्कुल फैक्ट है कि आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो स्ट्राइक प्राइस के चार्ट को भी यहाँ पर एनालाइज आपको करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर सेल किया था तो मैं वी वेब को देखता हूँ, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर वी वेब पर अपनी पोजीशन क्यों नहीं काटी, ठीक है। तो दोस्तों मैं वी वेब में हमेशा क्या स्टॉप लॉस एज ए स्टॉप लॉस इसको लेता हूँ, अपनी एंट्री के हिसाब से लेता हूँ बट एग्जिट मैं अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से ही करता हूँ। वी वेब में मैं एंट्री लेता हूँ वी वेब के हिसाब से और स्टॉप लॉस भी मैं अपना वी वेब के हिसाब से रखता हूँ, बट जो मेरा जो टारगेट होता है वो मेरा प्राइस एक्शन बेस्ड यहाँ पर होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये मेरा कुछ मैंने आप पॉइंट्स आपको यहाँ पर बता दिए, वीडियो कुछ लंबी होगी दोस्तों, ये मेरी पोजिशनल ट्रेड चल रही है जिसमें मेरे को 3800 कुछ रुपये का लॉस यहाँ पर हो रहा है, जिसमें मैंने 12,000 की कॉल को यहाँ पर शॉर्ट किया है। तो ये तो छोड़ो, टाइम पर छोड़ देते हैं इसको तो क्या होगा पता नहीं आगे, ठीक है। तो मैंने आप आस्था का प्लेटफॉर्म यहाँ पर यूज़ किया था, 4K पर लॉट, 4,000 में एक लॉट मिलता है। अगर आपको दोस्तों अकाउंट ओपन कराना है आप हमारे लिंक के थ्रू जा सकते हैं, आपको बहुत एक्साइटिंग ऑफर यहाँ पर मिलने
वाले हैं। तो अगर आपको कैसा भी डाउट है आस्था ट्रेड से रिलेटेड तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, एनी टाइम आप कभी भी मेरे को कॉल यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। तो अभी के लिए मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी मैं वीडियो